अस्सलाम वालेकुम माय ऑल फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से लग शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा जो कोरोना वायरस की एक नई किस्म आई है, उसका नाम भी आपको बताया जाएगा, जो बहुत ही जहरीली किस्म है। ये हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त डॉक्टर जगदीश, इंडिया से आए हैं स्पेशल, तो इन्होंने कोरोना वायरस का मुआयना किया है जो नई किस्म चल रही है। ये सबसे पहले तो शुरू हुई थी साउथ अफ्रीका में, और अभी ये बहुत सारे ममालिकों में जा रही ही है, जैसे इटली में जा रही, जर्मनी में जा रही है, जापान में जा रही है, बहुत सारे शहरों में इसकी नई किस्म फैल रही है। तो आपको हम मिलवाते हैं डॉक्टर जगदीश से, जो अभी अभी इंडिया से MBBS की डिग्री हासिल करके हमारे पास आए हैं, और इनसे पूछते हैं भैया, ये जो कोरोना वायरस की नई किस्म चल रही है, इसका इससे बचने का क्या तरीकाकार है? मेरा तो ये सबसे पहले तो आप सबको मेरा सलाम, और सेकंड बात ये है कि आप मास्क लगा के रखें, और वैक्सीनेशन जो इन्होंने बताई है वो बहुत अच्छी बात है, हर किसी को लगवानी चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन का बहुत फ़ायदा है, क्योंकि अभी तो आपको अपना हर चीज़ का सफ़र बंद कर दिया गया है, और सीटें भी फ्लाइटें भी सब कुछ बंद कर दिया है। तो हम सब दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला हमें ये मुश्किल से निकाले। तो ये भाई डॉक्टर जगदीश बिल्कुल अच्छी बात है मैं बता रही हैं, और आपको मैं बताता हूँ, अगर आप बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो आपको करंटीना में भी रहना पड़ सकता है, क्योंकि अगर आप इधर से जाते हैं वो आपको टेस्ट वगैरह करेंगे और आपको अलग रूम में रख देंगे, ठीक है। तो डॉक्टर जगदीश ने बहुत ही अच्छी हमें सलाह दी। तो मेडिसिन के बारे में बताया ना, तो मेडिसिन अगर इस्तेमाल करनी हो जी उसके बारे में भी मुझे पता है। तो नहीं किस्म है कोरोना की, इसके लिए मेडिसिन को इस्तेमाल करनी हो, कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करें? ये मेडिसिन आपने कोशिश करनी है, बिना डॉक्टर कोई भी अच्छा हो आपके एरिए में, आपके इलाके में जो भी अच्छा डॉक्टर हो MBBS, आपने उससे मेडिसिन लेनी है, और उनसे अच्छी डॉक्टर से मशवरा लेकर उस पर अमल करना है, और मास्क आपने मेहरबानी आपने लगा कर रखना है, क्योंकि मास्क बहुत ज़रूरी है। ये हमारी सब भाइयों के साथ ये क्वेस्ट है, और ये जो से कोरोना वायरस है ये बहुत जल्दी फैल रहा है, इंशाल्लाह ताला हम सब दुआ मांगेंगे तो ख़त्म ही हो सकता है। तो मैं तो इस वक्त बेवकूफ हूँ, क्योंकि मैंने डॉक्टर जगदीश को पूछा कोरोना वायरस के बारे से, ये भी आगे डॉक्टर की सलाह दे रहे हैं, ये डॉक्टर की सलाह दे रहे हैं कि डॉक्टर से MBBS के डॉक्टर उसी से अंबला ना आयो स्पेशल। यार अब मेरी बात सुनो, अब मैं हर किसी की घर में थोड़ी जा सकता हूँ, तो अच्छी मेडिसिन मैं हर किसी के शायद में थोड़ी जा सकता हूँ, ठीक है। जहाँ जाना है आपके करीबी जो से डॉक्टर है आपने उधर जाना है, यार आप भी डॉक्टर हो यार, स्पेशल आए हो, मैं स्पेशल इधर आया, मैं कितने के डेली के पेशेंट चेक कर लूंगा, मेरी ये बात बता, जस्ट ऑनलाइन क्लास हमारी चल रही है, मैं 50 मरीज चेक कर लूंगा, उनको 100 चेक कर लूंगा, 200 चेक कर लूंगा, मैं 1000 थोड़ी चेक कर सकता हूँ, उनको मैं 1 मिनिमम थोड़ी चेक कर सकता हूँ, कैसी बात करते हैं यार आप। मेडिसिन तो बता देना उनको, मेडिसिन यार इतना डिलीवरी कर दी, चेक लाना मार यार, डॉक्टर जगदीश को खुद ही नहीं पता कि मेडिसिन कौन सी इस्तेमाल कर रही है, ये वीडियो बंद कर रहे हैं। तो आपको मैं यही कहूंगा कि आप एहतियात करें, बाहर के मुल्क में ना जाएं, और मास्क लाजमी इस्तेमाल करें, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, और इसका यही है कि आप परहेज करें, घरों में रहें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, और ऐसी चीजें खाने से आपको मुदाफ़त मजबूत हो चुके हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।